महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री वजीर दाखला दिलीप वरसे पाटिल साहब से अभी शाम 6:30 बजे उनके बंगले के ऊपर हमारी मुलाकात हुई। तफसील हमारी बातचीत हुई मालेगांव के ताल्लुक से और पूरी हालात मालेगांव शहर के जुमा के दिन क्या हुए और आज के क्या हालात है और क्या आवाम सोच रही है समझ रही है। सबसे अहम बात जो मालेगांव शहर की आवाम समझ रही है सोच रही है और देख रही है कि उन लोगों के ऊपर 307 395 जैसी सख्त कलम लगाई गई। जो लोग वहाँ पर पत्थर मारने में लाठी मारने में दुकानें तोड़ने के अंदर मौजूद नहीं थे और जो मज़हबी हमारे जो उलमा है मज़हबी ज़िम्मेदारान है सियासी ज़िम्मेदारान है समाजी ज़िम्मेदारान है ऐसे लोगों के ऊपर सख्त धाराएं लगाई गई। वो ताल्लुक से हमने तफसील बातचीत की। रज़ा एकेडमी के ताल्लुक से हमने कहा कि जो रात में पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया वो मुनासिब नहीं था वो बात हमने रखा और हमने यही कहा कि अगर किसी के हाथ में पत्थर है किसी के हाथ में लाठी है काठी है तो आप उस पर कार्रवाई करिए हमारा कोई बोलना नहीं है। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद नहीं थे जहाँ पर पत्थर मारा जा रहा था लाठी बरसाई जा रही थी तो ऐसे लोगों के ऊपर भी इतना सख्त डिपार्टमेंट ने कार्रवाई किया ये नहीं होना चाहिए। और 307 395 ये जो कलम लगाई गई है वो ख़त्म होना चाहिए ये हमने कहा है। और मालेगांव शहर की आवाम से उन्होंने कहा है कि आप लोग अमन रखिए और जो निवेदन हमने दिया है वो निवेदन के ऊपर जो मेमोरेंडम दिया है उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर मैं इसकी मुकम्मल जानकारी लेने का आदेश देता हूँ और वो मुकम्मल जानकारी बोले एक दो रोज़ में मंगाऊँगा और जो भी मुनासिब होगा वो फैसला मैं करूँगा। मुकम्मल इंक्वायरी होना चाहिए वापस हमने डिमांड की और मुझे विश्वास है यकीन है कि जब इंक्वायरी होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा और ज़रूर हमको शहर की आवाम को शहर के नौजवानों को इंसाफ मिलेगा। ये तमाम ही बातें हमने रखा है मुझे उम्मीद है कि ज़रूर उसके ऊपर कुछ नतीजा आएगा।